प्रेमिका से प्यार का इजहार और दूसरी लड़की के साथ शादी का करार करना दूल्हे को भारी पड़ गया। प्रेमिका ने प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी दूल्हे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस ने शादी के दौरान वरमाला डालने से पहले ही आरोपी दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया। डिंडोरी जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में रहने वाला आरोपी रूपेश राजपूत समनापुर गाँव की रहने वाली युवती को शादी का झांसा दे रहा था। युवती ने आरोप लगाया है कि शादी का झांसा देकर आरोपी रूपेश शारीरिक संबंध बनाता रहा और उसे अंधेरे में रखकर दूसरी लड़की से शादी का रिश्ता जोड़ रहा था। इसकी जानकारी युवती को जैसे ही लगी तो उसने इसका विरोध किया और युवक को शादी नहीं करने की बात कही, लेकिन युवक नहीं माना, जिसके बाद युवती ने थाने में पहुंचकर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को शादी के मंडप से गिरफ्तार कर लिया। परसों की बात है, एक राजपूत समाज की एक 20 साल की लड़की है। वो पूर्व से शादीशुदा है और अभी अभी अपने पति के साथ रहती नहीं। उसने एक रूपेश राजपूत नाम के लड़के के ऊपर आरोप लगाया था कि उसके साथ शादी का झांसा देकर गलत काम किया है। रिपोर्ट पर से हमने 376 की कायमी की है। लड़के ने भी थाने पर आवेदन दिया है कि उसकी चूँकि उसी दिन शादी थी और उस लड़की के साथ उसकी दोस्ती थी और वो शादीशुदा होते हुए भी इस लड़के के साथ शादी करने का दबाव बना रही है। चूँकि लड़का शादीशुदा लड़की से शादी नहीं करना चाहता तो इसी से परेशान होकर उसने ब्लैकमेलिंग की उस लड़की की और उस लड़की के पिता के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की शिकायत की है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।